अलीगढ़ में सासनी गेट स्थित एसआरके इंटरनेशनल स्कूल में बाल दिवस धूमधाम से मनाया गया। स्कूल के चेयरमैन विकास चंद्र वशने एवं प्रिंसिपल ललिता वशने ने कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आकांक्षा शेखर एवं सुमित शेखर को सम्मानित किया और बाल दिवस का महत्व बच्चों को बताते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में बच्चों को विस्तार से बताया। इसके साथ ही बच्चों को चॉकलेट का भी वितरण किया गया। इस अवसर पर बच्चों को खुशनुमा वातावरण देने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं रखी गई, जिसमें प्राइमरी कक्षा तक के लिए फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता और कक्षा 6 से 10वीं तक के विद्यार्थियों के लिए खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कबड्डी, खो खो, स्किपिंग, सेक रेस, टग ऑफ वॉर, स्लो साइकिलिंग रेस आदि प्रतियोगिताएं हुई, जिनमें विद्यार्थियों ने बहुत ही जोश के साथ हिस्सा लिया। स्कूल की प्रिंसिपल ललिता वाशने एवं वाइस प्रिंसिपल श्रद्धा दुबे गौड़ की देखरेख में प्रतियोगिताएं शुरू हुई। उन्होंने बताया कि बच्चों के मानसिक व शारीरिक विकास के लिए इस तरह के आयोजन समय समय पर किए जाते हैं। स्कूल के सभी शिक्षकों ने बच्चों को प्रेरित कर उनका हौसला बढ़ाया और कार्यक्रम को रोचक बनाया। इस मौके पर विजेता छात्रों को मुख्य अतिथि द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। आज स्कूल में 14 नवंबर में चिल्ड्रंस डे पे हम लोगों ने फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन रखा है, जिसमें क्लास प्ले ग्रुप से लेकर क्लास 5 तक के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया है बच्चों ने। क्या गेम वगैरह भी है? जी सर, आज हमने गेम्स भी रखे हैं। क्लास 6 to 10 तक हम लोगों ने स्पोर्ट्स का रखा है, जिसमें कि बहुत सारे गेम कराए हैं। टग ऑफ वार है, कबड्डी, खो खो, टीटी का है, बाकी गेम्स बच्चों ने खेले हैं। क्या अच्छे बच्चों के लिए पुसायन मुख्य अतिथि? जी सर, मुख्य अतिथि आज हमारे यहाँ सुमित शेखर सर्राफ थे, जिसमें उन्हें बच्चों को सम्मानित किया, उन्होंने बच्चों को गिफ्ट दिए थे और स्पोर्ट्स में भी बच्चों को गिफ्ट दिए थे और बहुत ज़्यादा बच्चों का उत्साह बढ़ाया था। आज हम यहाँ एसआरके इंटरनेशनल स्कूल में आए हैं। यहाँ बच्चों ने फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन अलग अलग स्वरूप में सारे बच्चे यहाँ आज तैयार होकर आए हैं और बच्चे यहाँ कोई मोदी, नरेंद्र मोदी के भेष में है, कोई जवाहरलाल नेहरू, कोई गांधी जी। बच्चों में ये सब करने से आगे और उत्साह बढ़ता है और यहाँ टूर्नामेंट का प्रोग्राम भी चल रहा है, कबड्डी चल रही है, जिससे बच्चे सारे गेम अपने जो राष्ट्र के सारे गेम हैं बच्चों को पता रहना चाहिए कि हमारा कौन सा गेम है। तो यहाँ अच्छा, काफ़ी अच्छा प्रोग्राम किया हमने, सबको 1st, 2nd, 3rd गेम डिस्ट्रीब्यूट गिफ्ट भी किए हैं और यहाँ काफ़ी अच्छा प्रोग्राम किया गया है।